ये हमसे नहीं डरते, हमारी कोई औकात नहीं, हम तो छोटे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, ये हमसे नहीं डरते। 10-15 करोड़ का खर्चा आएगा, पहले बसों में लाओ, फिर छोड़ के आओ, रास्ते में खाना भी खिलाओ, फिर तालियां बजवाओ, फिर इधर वाले इधर इधर बिठाओ, जब उनको बोल दिया कि 15 मिनट हो गए, अब करना है मोदी मोदी लिखाओ। हमारे यहां कुछ नहीं करना पड़ता, अरविंद केजरीवाल का नाम लेना पड़ता, लोग अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं स्कूलों की, हम बात करते हैं अस्पतालों की, हम बात करते हैं बिजली की, हम बात करते हैं सड़कों की, ये बात करते हैं धर्म की, ये बात करते हैं जात पात की। 27 साल हो गए, हर साल पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेता, तुम बदलो यार इस बार। कांग्रेस का तो आप देख लो क्या हाल होता है, कोई प्रधान बनने को तैयार नहीं होगा। अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार कांग्रेस के प्रधान के पर्चे मिल रहे हैं 40-50 रुपए का होगा, तू भी भर दे। कोई प्रधान बनने को तैयार नहीं है, कांग्रेस की हालत उस बुजुर्ग 90 साल बुजुर्ग जैसी हो गई, जिसको डॉक्टर बोल देते हैं घर पे ले जाके सेवा कर लो, अभी उसमें कुछ नहीं है। बस इसका मतलब जो इनके नेताओं के, कांग्रेसी और बीजेपी के नेताओं के घर में काम करते हैं माली सफाई वाले, वो भी झाड़ू चक्कर उठाते हैं। बस लोग कभी भी भ्रष्ट नहीं होते, लोग भ्रष्ट नहीं होते, नेता भ्रष्ट है। कोई बैंक लूट के भाग गया, कोई 10,000 करोड़ लेके भाग गया। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। मैंने कच्छ के बारे में सुना था कि यहां के लोग इनकलाबी हैं, और कच्छ वाले जो फैसला कर देते हैं पूरा गुजरात वही फैसला करता है, मैंने सुना था ये मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि वाकई, क्योंकि वही नारे लग रहे हैं, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, वही नारे लग रहे हैं जो पंजाब में लगते थे, जो आज भी लगते हैं। तो ये इसका मतलब हमारी समस्याएं भी वही हैं जो पूरे देश की हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, क्या करें। अभी भगत सिंह का जन्मदिन था परसों, 28 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन था। भगत सिंह जी को कभी यह चिंता नहीं थी कि आजादी कैसे आएगी, वो बेफिक्र थे इस मामले में, आजादी तो आएगी ही आएगी, लेकिन चिंता इस बात की थी आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। और उनकी ये चिंता बिल्कुल सही थी। कौन से हाथों में चला गया, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम, 75वीं आजादी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कच्छ वालों से, आपके घर में आजादी पहुंच गई, नहीं पहुंची ना, क्योंकि वो आजादी सिर्फ इनके महलों में और लाल बत्ती वाली गाड़ियों में रह गई। बस उस आजादी को घर घर पहुंचाने का जो मकसद, जो टीचा, जो लड़ाई आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में लड़ रही है, उसी के सिलसिले में हम यहां पर आए हैं, और हमें आने नहीं देते। हम कोई होटल बुक करते हैं, होटल वाले को कह देते हैं यहां नहीं ठहर सकते ये। हम कोई मैरिज पैलेस बुक करते हैं, हॉल बुक करते हैं, उसके मालिक को डरा लेते हैं। ये तो धन्यवाद हो उन लोगों का जिन्होंने यहां बाजार लगता था, आज ये दे दिया ग्राउंड, वरना हद है, वरना हमें काम ही नहीं करने देते। भाई तुम अपना प्रोग्राम रखो, हम अपना रखेंगे, ये हमसे नहीं डरते, हमारी कोई औकात नहीं, हम तो छोटे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, ये हमसे नहीं डरते, ये केजरीवाल से नहीं डरते। जो इतनी भारी संख्या में आप लोग आ गए ना, ये आपसे डरते हैं। उन्होंने, बीजेपी वालों ने इतना कट करना हो, लगभग
10-15 करोड़ का खर्चा आएगा। पहले बसों में लाओ, फिर छोड़ के आओ, रास्ते में खाना भी खिलाओ, फिर तालियां बजवाओ, फिर इधर वाले इधर इधर बिठाओ। जब उनको बोल दिया कि 15 मिनट हो गए, अब करना है मोदी मोदी लिखाओ। हद है यार, हद है यार। बहुत काम करना पड़ता उनको, हमारे यहां कुछ नहीं करना पड़ता। अरविंद केजरीवाल का नाम लेना पड़ता, लोग अपने आप आ जाते हैं बस। क्योंकि हम बात करते हैं स्कूलों की, हम बात करते हैं अस्पतालों की, हम बात करते हैं बिजली की, हम बात करते हैं सड़कों की, ये बात करते हैं धर्म की, ये बात करते हैं जात पात की। तो दिल्ली में क्या हुआ फिर? दो बार दिल्ली में हारे। बहुत धर्म की बातें की, लेकिन दिल्ली वालों ने कहा नहीं, हमें केजरीवाल के स्कूल अच्छे हैं, हमें अस्पताल अच्छे मिल रहे हैं, हमें इलाज अच्छा मिल रहा है, हमें बिजली अच्छी मिल रही है, हमें सब सहूलतें मिल रही हैं, हम तो केजरीवाल को वोट डालेंगे। 27 साल हो गए यार, मैं आप पर भी हैरान हूं। 27 साल हो गए, हर साल पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेता, तुम बदलो यार इस बार। तो मुझे पता है पहले आपके पास कोई बदलाव नहीं था, ऑप्शन नहीं थी कोई। कांग्रेस का तो आप देख लो क्या हाल हो चुका है, कोई प्रधान बनने को तैयार नहीं उनका। परसों मैंने एक अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार कांग्रेस के प्रधान के पर्चे मिल रहे हैं, 40-50 रुपए का होगा, तू भी भर दे पर्चा, भर दे प्रधान का। वो कहता भर तो दूं, मुझे चिंता इस बात की अगर चुना गया फिर क्या करूंगा, कोई प्रधान बनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की हालत उस बुजुर्ग 90 साल बुजुर्ग जैसी हो गई, जिसको डॉक्टर बोल देते हैं घर पे ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है बस। ये कांग्रेस का हाल है। दिल्ली में नेशनल पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, दिल्ली में 2 बार कितनी सीटें? 0। 2 बार, 15 में भी 20 में भी। यहां राहुल गांधी, यहां सोनिया गांधी जी, यहां पर ये इनके सब बड़े बड़े नेता रहते हैं, जिस इलाके में वो रहते हैं उनका एमएलए पता कौन है? अरविंद केजरीवाल, नई दिल्ली विधानसभा में पड़ता है। इसका मतलब जो इनके नेताओं के, कांग्रेसी और बीजेपी के नेताओं के घर में काम करते हैं माली सफाई वाले, वो भी झाड़ू चक उठाते हैं बस। सो दोस्तों, ये पंजाबी खड़े हैं, साढ़े भरा खड़े ने ट्रांसपोर्ट दे विच बिजनेस ने, मैनू किसान बहुत मिले ने कि इतने तकलीफा ने, दुख तकलीफा ने, कि साढ़े तो कम लैके सानू छड़न लगे है। नहीं, असी तुहाड़े नाल खड़ांगे, असी थोड़े नाल खड़ा। 90% कुर्बानियां देश को आजाद कराने में पंजाबियों की, और पूरे देश में हम, पूरी दुनिया में पंजाबी जो हैं जहां जाते हैं अपना मुकाम बनाते हैं, मेहनत करते हैं। आप लोग मेहनती लोग हो, आप लोग सब ईमानदार लोग हो, लोग कभी भी भ्रष्ट नहीं होते, लोग भ्रष्ट नहीं होते, नेता भ्रष्ट होते हैं, ये खाते हैं। हमारे देश के नेता इस देश में खाते हैं, इसीलिए उनके विदेश में खाते हैं। कोई बैंक लूट के भाग गया, कोई 10,000 करोड़ लेके भाग गया। हमें तो भाई इतनी रकम लिखनी भी नहीं आती कि कितनी जीरो लगती है इसमें। हमें तो अपने घर की चिंता है, आज शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आज चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कल क्या चल रहा था, परसों, कल ही था मेरे ख्याल में, कि नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लाइव, ले स्टेडियम अपने नाम पे कर लिया। हद है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। पंजाब में 6 महीने हुए सरकार बने हुए, बिजली 2 महीने का बिल आता है हमारा, 1 जुलाई से बिजली हमने फ्री करी, 300 यूनिट पर मंथ, 600 यूनिट, 74 लाख घर हैं पंजाब में, मीटर लगे हुए हैं 74 लाख, 51 लाख को जीरो बिल आया है अभी। और आपको हैरानी होगी कि जब नवंबर और दिसंबर का महीना आएगा, क्योंकि उस समय एसी वगैरह नहीं चलते, ठंड हो जाती है, तो जनवरी का, नए साल का जो पहला बिल आएगा पंजाब में, 74 लाख में से 69 लाख, 69 लाख लोगों को जीरो बिल आएगा, 90-95% से ज्यादा।
हमने कोई नोटों नोट छापने वाली मशीन नहीं लगा रखी है, पैसा लोगों से ही आता है, लेकिन हमने लीकेज बंद कर दी है, भ्रष्टाचार बंद कर दिया, जो ये खाते थे वो हमने करप्शन पे रोक लगा दी है, तो पैसे बचने लगे, तो वही पैसे हम आपको देने लगे, स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे बना दिए, बिजली फ्री कर दी, सड़कें, व्यापारियों के लिए रेड राज बंद कर दिया, टैक्स देने लगे व्यापारियों को भी लगा कि हाँ अगर हम टैक्स देंगे तो ये टैक्स का पैसा हमें वापस ही मिलेगा किसी न किसी रूप में, तो ये विश्वास बना, तो विश्वास बना तो सरकार बनी, सरकार बनी तो विश्वास बना, तो हमने ये किया है। 350 करोड़ में जो पुल बनता था, अरविंद केजरीवाल जी ने नए इंजीनियर बुलाए, नया नक्शा बनाया, वो 200 करोड़ में बना दिया, 150 करोड़ बच गया, 150 करोड़ से पूरे दिल्ली की दवाइयां फ्री कर दी। भाई इसको क्यों कहते हो आप फ्री, केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांटता है, केजरीवाल फ्री क्यों ये कर रहा है, केजरीवाल ऐसे फ्री क्यों दे रहा है रेवड़ियां बांट, हम बिजली दे रहे हैं, हम लोगों को पानी दे रहे हैं, हम लोगों को इलाज दे रहे हैं, हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, इसको कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी साहब, जो 15 लाख हर घर के हर व्यक्ति के खाते में आएगा, वो वाला पापड़ किसने बेचा था? आ गया 15 लाख आपके यहां, आ गया 15 लाख? अरे यशुदान भाई आप तो कहते थे आ गया, यहां नहीं आया ना, पंजाब में भी नहीं आया, किसी का नहीं आया, जुमले थे, आजकल जुमलों की फैक्ट्री चल गई है, फिर चल गई है फैक्ट्री, उसमें जुमले बन रहे हैं नए नए ताजे ताजे, कि कौन से जुमले से लोग भड़केंगे, कौन से जुमले से लोगों की भावनाओं को भड़काया जा सकता है, जुमलों में मत आना, जुमलों में मत आ। इनको एक अच्छी आदत होती है महिलाओं को, पंजाब में भी है, यहां भी है, होगा, ये अपने कई जो माएँ बहनें हैं वो अपने हस्बैंड से अपने पति से नहीं बताती उसको, थोड़े पैसे अलग से रख लेती हैं, कई बार इमरजेंसी में काम आ जाते हैं, बच्चे की फीस आ गई या रात को कहीं कोई इलाज के लिए जाना पड़ा, अलग से रख लेती हैं। अब उनको क्या पता था कि रातों रात नोट बदल जाएंगे, रातों रात नोटबंदी हो गई, अगले दिन ना हस्बैंड को बता सकती हैं ना छुपा सकती हैं, बताती हैं तो लड़ाई होती है घर में, वो कहते कहाँ से आए पैसे, ये तुम तो चोरी करती है, नहीं बताती तो कागज बन जाएंगे। मैंने पंजाब में ऐसी जनसभा में बोल दिया, जब बोलने के बाद मैं गाड़ी में बैठने लगा तो 2-3 माएँ बहनें आई, मेरे सर पे आशीर्वाद का हाथ रखा और कहा कि ये नोटबंदी वाली बात बिल्कुल सच्ची है बेटा, हम भी माइके से बदलवा के लाई हैं। आदि को तालियां बताती हैं, ये भी माइके वाली हैं। क्या नोटबंदी करने से करप्शन खत्म हो गई, आतंकवाद खत्म हो गया? बल्कि इतने बड़े बड़े नोट बना दिए, पहले इतने जाते थे, अब इतने में चल जाता था। क्या नोटबंदी करके क्या मिला? कौन लाइन में लगा? कोई आपने उद्योगपति लाइन में लगा देखा? कोई आपने कोई अमीर आदमी लाइन में लगा देखा बैंक में? कौन था लाइन में? आप लोग थे, ऑटो वाले थे, रिक्शे वाले थे, झुग्गी झोपड़ी वाले थे, किसान थे, लाइन में लगे हुए 150 आदमी पूरे देश में लाइन में लगा, जो था बेहोश होके मर गए 150 आदमी, हद है, तो उनकी जान की क्या कीमत होगी? तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मुझे पत्रकारों ने पूछा जी आपने दिल्ली में और पंजाब में ये कैसे कर दिया, मैंने कहा क्या, कहते जी आपने ये बीजेपी की आंधी जो कैसे रोक दी, मैंने कहा जी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले कमल का फूल, मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है, कहते जी कीचड़ में, मैं कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कहते जी झाड़ू, मैं कहा झाड़ू क्या करता है, कहते कीचड़ की सफाई, मैंने कहा हमने कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं, इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ मकान और दुकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा, राजनीतिक गंदगी उठा के बाहर फेंक देंगे।